नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 10 में। मैं हूँ योगिता सिंह। आइए करते हैं शुरुआत धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ। पूरे भारत में सुबह 8:17 से आंशिक सूर्य ग्रहण लगा। ग्रहण की समाप्ति पर सभी मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। राजस्थान में आज से आरंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा। 1 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में परम श्रद्धेय रमाकांत गोस्वामी जी अपने प्रवचनों के जरिए लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। आज से नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ सत्संग कार्यक्रम। 29 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में परम पूज्य सदगुरु सुधांशु जी महाराज सात्विक तात्विक चर्चा के जरिए लोगों में जगाएंगे भक्ति की लौ। श्रीधाम वृंदावन में 30 दिसंबर से लीजिए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद। 5 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य मनुश्री जी महाराज अपनी दिव्यवाणी से लोगों के ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सक्रिय करने का करेंगे प्रयास। 2 जनवरी से कानपुर देहात में आयोजित होगी श्रीमद् भागवत कथा। 8 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। पूज्य संत मुरारी बापू जी हिम्मत नगर गुजरात में 4 जनवरी से सुनाएंगे श्री राम कथा। 12 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में अपने सात्विक तात्विक चर्चा के जरिए श्रोताओं को भगवान श्री राम के आदर्श वाले जीवन से कराएंगे अवगत। 5 जनवरी से सूरत गुजरात में होगी श्रीमद् भागवत कथा। 12 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी अपने दिव्य वाणी से श्रोताओं की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। सूरत में 3 जनवरी से होगा श्री मीरा चरित्र कार्यक्रम का आयोजन। 9 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय गौरदास जी महाराज अपनी भावपूर्ण वाणी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति का करेंगे बखान। योग और आयुर्वेद के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के विभिन्न कार्यकलापों और शिविरों का प्रसारण देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ संस्कार पर। आयुर्वेद से जुड़ी रोचक बातें और जड़ी बूटियों द्वारा रोगों से छुटकारा पाने के सरल और आसान उपाय जानिए श्रद्धेय आचार्य पाल कृष्ण जी के आसान नुस्खों में प्रतिदिन संस्कार और सत्संग पर। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। धर्म और आध्यात्म जगत के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर आप अपने सुझाव और अपने आसपास होने वाली धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर भेज सकते हैं, जिन्हें हम शामिल करेंगे भक्ति टॉप 10 में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे लेकर धर्म और आध्यात्म जगत की 10 बड़ी खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।